जय हिंद सभी को। निवेदन करना चाहूंगा कोई शेयर ना करे। आइए मिले एक दिलचस्प व्यक्तित्व से। इनका नाम है दीपक शर्मा और इनका काम है गाली देना। सुअर, आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मेरी ये जो उंगली है ये बिल्कुल सेंटर में घुसी है। इनको पूजा करनी होती है तो ये मंदिर नहीं ताजमहल जाते हैं। किसी जमाने में इन्हें डॉक्टर दिखाने की सलाह दी जाती पर आज के हिंदुस्तान में इन पर गाने बनते हैं। आखिर ऐसा क्या करते हैं दीपक शर्मा? हर गली हर गांव में बढ़ रही गुस्ताखियां जो गर्दने हैं उठ रही, धड़ से उखड़नी चाहिए, धड़ से उखड़नी चाहिए, एक और गोधरा चाहिए, एक और गोधरा चाहिए। जी हाँ, दीपक शर्मा हिंदुत्व के सिपाही हैं। ये तीन महानुभाव गुड़गांव में पब्लिक नमाज भंग करके जेल गए थे, अभी अभी लौट कर आए हैं। जी हाँ, ये भी हिंदुत्व के सिपाही हैं। ये तुम्हारी हालत होगी। मतलब मेरी राय स्पष्ट है कि मैं शंभू रैगर जी के साथ हूँ। दीपक शर्मा ऐसे कई हिंदुत्व के सिपाहियों के साथ खड़े नजर आते हैं पर सिर्फ सोशल मीडिया पर। मैं सुवर्ण मस्टिक की माँ कुछ कहना चाहती हूँ, सब भाइयों को दिखाना चाहती हूँ। थोड़ी खुदाई करने पर इनका सच और साफ होता जाता है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दीपक शर्मा के साथ ही रहने वाले हिंदूवादी युवा शिवम वशिष्ठ की हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही दीपक शर्मा पर उस घटना के हालातों को लेकर उंगलियां उठने लगी। सबरे अकाउंट में तीन चार जगह से पैसे आए हैं, हरे हरे अलग अलग अकाउंट में पैसे आए हैं दीपक शर्मा के, और मुझे कोई पैसा नहीं मिला, और शिवम वशिष्ठ के नाम पे पैसा खा गया दीपक शर्मा। और ऐसे ही निकल कर आती है एक और चौंकाने वाली बात। ये फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बेटा से वो लगवा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अपने दरवाजे पे लिखवाया था, मेरे शुभम ने मना कर दिया था, अभी नहीं भैया, भैया की शादी हो जाने दो, जब कर लिखेंगे। मेरे बेटा ने मना कर दिया वहाँ से, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखवा रहा था अपने दरवाजे पे ही, अपने नाम ऊंचा करवाने के लिए। मान गई, कुछ ऐसा करते हैं कि हमारा नाम भी ऊंचा हो जाए, पैसे भी कमाए। हमें क्या पता थी कि हमारे बेटा को मार के पैसा कमावे। मुझे गद्दार है दीपक, नीचे बहुत गद्दार निकला दीपक शर्मा। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। दीपक शर्मा अकेले नहीं है। अगर तुम लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हो तो जाओ सालो पाकिस्तान। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदुस्तान। मोडिफाइड हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में नफरत बेचकर जेब भरने वाले कई लोग मौजूद हैं। वैसे इनकी ये हरकतें आईपीसी की सेक्शन 153A और 295A को लांग रही हैं, और पुलिस प्रशासन सरकार चाहे तो तुरंत सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। देश में हिंसा और विभाजन पैदा करने वाली हरकतों पर सीजेपी नजर रख रही है। सीजेपी की हेट वॉच की सहायता करें, हमारे साथ जुड़े।